विश्वामित्र सत्संग समिति द्वारा आयोजित एक दिनी श्री राम के माध्यम से नवी मुंबई के कामोठे सेक्टर 11 में पहुंचे जगतगुरु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने कथा समापन पर सनातन विरोधियों पर जमकर प्रहार किया और सीधे तौर पर कहा कि जो राम का नहीं वो देश के किसी काम का नहीं। बता दें कि इस एक दिनी श्री राम कथा का आयोजन स्थानीय समाज सेवी संजय तिवारी एवं उनकी पत्नी राधिका तिवारी तथा राधुशरण पांडे जी के सहयोग द्वारा आयोजित रहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। चराचर जगत के कल्याण के लिए ये सनातन धर्म है ना? सनातन का अर्थ ही है कि आज नहीं अनादि काल से जो चला आ रहा है। धर्म का अर्थ है जिसको धारण किया जाए। अनादि काल से अगर धारण किया जाता है तो किसको धारण किया जाता है? तो रामो विग्रहवान धर्मः, श्री राम ही साक्षात धर्म के विग्रह है। इसलिए श्री राम को ही अपने जीवन में अपनाना है। अगर हमारे राम के काम का नहीं है तो हमारे किसी ही काम का नहीं है। देखो, राम कथा का मतलब ये है कि राम के चरित्र में हमको उतर जाना। श्री राम कथा हम गाते हैं और सुनते हैं तो हम चरित्र को सुनकर के अपना चरित्र हम श्री राम के अनुरूप ही बना लेवे। जिस समय हम अपने श्री राम के चरित्र से अपना चरित्र जोड़ लेंगे तो सनातन धर्म स्वतः ही राममय हो जाएगा, है ना? राम में हम रमण करें। रम क्रीड़ायाम धातु से राम शब्द निष्पन्न हुआ है, रमण करने अर्थ में। तो हमको कहीं अन्यत्र नहीं रमण करना है, राम में रमण करना है। और आज विश्वामित्र समिति के माध्यम से यह कार्यक्रम आयोजित हुआ श्री राम कथा का। इसके मुख्य आयोजक हमारे श्री संजय तिवारी जी और श्री राधिका तिवारी जी, आज का कार्यक्रम संचालन करने वाले हमारे श्री राघव शरण जी और हमारे अध्यक्ष श्री सिंह साहब जी, अन्य सभी अखिल भारतीय श्री राम हर्षण मंडल के ये वैष्णव जन आप देख रहे होंगे। हमारे मंडल की लगभग संख्या पूरे भारत वर्ष में देखी जाए तो 10 लाख की होगी। 10 लाख का शिष्य समाज संपूर्ण भारतवर्ष में दृष्टिगत होता है। इनके सबके गले में तुलसी की कंठी, मस्तक पर तिलक आप प्राप्त करेंगे। आप देख रहे होंगे, कैमरा को एक मिनट इधर इनकी ओर लेकर के जाएं, सभी के मस्तक पर आप तिलक देखेंगे। तो आप सब इस धर्म को पुनः जागृत करें, क्योंकि अभी हम सब सोने लग गए हैं और श्रुति कहती है कि सोने का समय नहीं है। उत्तिष्ठो तिष्ठ जागृत, श्री कबीरदास जी भी कहते हैं कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां तू सोवत है, आप जागो। तो हम सब सनातन धर्म को जगाने के लिए ही ये सारे कार्यक्रम करते हैं। और अभी 3 सितंबर से 11 सितंबर गुजरात भवन में वासी में सेक्टर 16 पर श्री राम कथा का दिव्य आयोजन होगा। इसमें समस्त मुंबई के श्री राम भक्त ही इस कार्यक्रम को आयोजित करेंगे एवं अखिल भारतीय श्री राम हर्षण मंडल के भक्तगण। इसमें हमारे विश्वामित्र समिति के भी सभी पदाधिकारी रहेंगे और इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे। तो अद्भुत कार्यक्रम होगा और ये कार्यक्रम संपूर्ण भारत वर्ष के सनातन धर्म को एक नई ज्योत्सना प्रदान करने वाला होगा। आयोजन बहुत बढ़िया होगा, गुरु जी ने सबको एकदम मन प्रमुग्ध कर दिया। हम लोग कमोठा वासी एकदम धन्य धन्य हो गए हैं। कथा में बहुत आनंद आया। कथा कराने की प्रेरणा हमारी गुरु जी सरकार से। कोरोना काल में हमारा हालत बहुत खराब था, गुरु जी सरकार के शरण में गए, उसी दिन से हमारा फिर आगे हम चलने लगे और फिर वहीं से गुरु जी के शिष्य बन गए और तब से हम आगे ही चल रहे हैं। वासी में कार्यक्रम है हमारा और हमारे भाई साहब हैं ये दुबे जी, ये बोलेंगे। चैनल के माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूं कि इस परिसर में इस विश्वामित्र सत्संग समिति के द्वारा
ये यहाँ पर कथाएं विगत 15 वर्षों से होती चली आ रही हैं। अभी प्रत्येक रविवार को यहाँ पर कथा होती है और इसी तरह से भीड़ प्रत्येक रविवार को वहाँ पर एकत्रित होती है और उसी तारतम्य में आज उसी श्रृंखला में यह कथा भी आज थी। जगत गुरु स्वामी वल्लभाचार्य जी महाराज के द्वारा आज कथा मंदाकिनी में इतने भक्तों ने अवगाहन किया, ये कोई नई बात यहाँ पर नहीं, इस तरह से प्रत्येक रविवार को होती आ रही है। का आयोजन हर शनिवार को यहाँ पर सुंदरकांड का भव्य पाठ होता है और हर रविवार को यहाँ पर दिव्य संगीतमय राम कथा और इसी तरह से भगवत भक्तों को प्रसाद की प्राप्ति होती है। उद्देश्य यही है कि जैसे कि आज आप हम लोग देखते हैं कि हमारे देश में सनातन धर्म के खिलाफ लोगों ने एक मचा रखा है, बहुत बड़ा शोर मचा रखा है उसके खिलाफ में। हम ये चाहते हैं कि हमारे राम का, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो ऊंचा आदर्श रहा है, चाहे वो समाज के प्रति रहा हो, चाहे देश के प्रति रहा हो, अपने परिवार के प्रति रहा हो, वो फिर से हर व्यक्ति के घरों में वो राम का आदर्श स्थापित हो और इन आतताइयों का, इन दुष्टों का जो सनातन खिलाफ बोलते हैं, उनका मुंह बंद हो जाए। इसलिए ये कथा का उद्देश्य यही है। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।